तो ये तो अल्लाह का करम है, हम बैठे हैं अभी मार देते हैं तुक्के, करने फैसले तो अल्लाह ने होते हैं। नहीं तुक्के तो नहीं, आप गेम रीड भी करते हैं, गेम रीड करना और किसी बॉलर का दिन है गेंद फेंकना, ये आपका एक्सपीरियंस भी है वैसे और आपकी आजी से आप काम ले रहे हैं, क्या ख्याल है यूसुफ भाई? नहीं आजी है, एक्सपीरियंस है ना, वो बॉल थोड़ा सा स्विंग हुआ पहला इन्होंने देखा, और वो क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और अक्सर हमने देखा हुआ है कि वकार भाई जय सूर्या को भी LBW करते थे अंदर आते हुए बॉल पे, बिल्कुल वो कन्वेंशनल स्विंग होता है ऐसे, ये बिल्कुल सही तो वही सामने रख के इन्होंने ही बात की, लेकिन उसने बाहर निकाला वो कैच, ड्रॉप हुआ कैच, अगली बॉल पे फिर बाहर निकाला राइट हैंड को, वो कॉट बी एंड हो गया। तो ये मुशी भाई का एक तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेले हुए हैं, फिर कोचिंग एक्सपीरियंस है, तो वो काफ़ी चीज़ें सामने आ जाती है, मोस्टली वो हो जाता है ऐसा, लेकिन बाज का नहीं भी होता, नहीं भी होता, लेकिन ये है कि जितना एक्सपीरियंस है जो बता रहे होते हैं 80% 90% तो हो जाता है। तो इसीलिए हम सब बाबा जी भी कहते हैं अपना पीर भी मानते हैं। तो आज की अभी तक प्रेडिक्शन तो आपने दी श्रीलंका की तरफ हुई, श्रीलंका की, मेरी तो श्रीलंका की, श्रीलंका भी है और बारिश भी है, हाँ बारिश भी है और ये आउट भी है मेला और नहीं बच गए, तो दुआ जो है उसका सिलसिला तो जारी है। पीछे साहब आप जो सूरत हाल अभी बन चुकी है, एक विकेट गिरी है और बैटिंग सरफेस है, मुशी भाई ने तो पहले बता दिया कि इस ओवर में विकेट गिरने वाली है, ना सिर्फ एक विकेट पहले बल्कि एक कैच ड्रॉप हुआ फिर अगली गेंद पर विकेट गिर गई, दो चांसेस सऊदी ने क्रिएट कर दिए हैं, तो सऊदी का आज दिन है हम ये कह सकते हैं। आपने मुशी भाई से एक चीज नहीं पूछी कि ये आपने कैसे कहा है, और जवाब उसका आई एम श्योर यही आता कि वो इंसान सेंस कर लेता है, वो विकेट को देख के, बॉलर को देख के, बैट्समैन को देख के गेंद क्या स्वर्व कर रहा है, स्विंग कर रहा है, क्या कर रहा है, और फिर आप एक अपनी एक एनालिसिस निकालते हो, और ये आते हैं तजर्बे के साथ जो यूसुफ ने बात की। ये तजर्बा मुश्ताक अहमद का जो तजर्बा है वो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट का बहुत अच्छा है। हम लोग जब खेलते थे उस वक्त आप धनिया पी के खेलते थे, वो क्रिकेट खत्म हो गई है, अब नई क्रिकेट आई है, नई क्रिकेट के नए एक्सपेरिमेंट्स हैं, नई क्रिकेट के नए एनालिसिस हैं, सो उस लिहाज से आई थिंक व्हाट ही सेड आप उसको गेज कर लेते हो, पूरी 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 गेम को या उस मोमेंट को आप गेज कर लेते हो कि इसमें क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, एंड आई थिंक वही कर सकता है जिसके अंदर बहुत डीप क्रिकेटिंग सेंस होती है, एंड आई थिंक मुश्ताक हैज इट। मुशी भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह माशाल्लाह कुव्वत इल्ला बिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट, और यूसुफ का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बट जो उन्होंने कहा ना कि धनिया पी के, हमारे दौर में धनिया पी के सो जाते थे, आजकल टबैस्को सॉस का दौर है, अगर कोई बैट्समैन धनिया पीने लगता है तो उसको कोच आजकल ना आधी बोतल टबैस्को सॉस की पी के भिजवाता है, ताकि जरा ना वो उसके मिर्चे कायम दायम रखे, और पीजे मीर साहब ने विद द पैसेज ऑफ टाइम ना अपना इंटेंट चेंज कर चुके हैं, पहले ये धनिया पीते थे, अब आप हर दफा जब भी लंच करते हैं तो ये नैंडो से वो क्या मंगवाते हैं, पेरी पेरी बाइट्स, और वो बड़ा एंजॉय करते हैं हरी मिर्चों को। तो आई थिंक विद द पैसेज टाइम हम ये करते हैं, बट ऑब्वियसली जो बात है ना, जो क्रिकेट की बात है, आपने पहला देखा सऊदी का जो यूसुफ ने बता तो दिया है कि उसका आउटस्विंग हुआ है, अब आउटस्विंग होने वाले बॉलर जो होते हैं ना, और जिनकी बैट्समैन थोड़ी सी टेक्निक, ये जो परेरा है इसकी टेक्निक ये है कि ये अब हार्ड हिटर बॉल बैट्समैन है और इसका बल्ला बाहर से आता है, तो जब अंदर शेप बन के हल्का सा भी स्विंग हो ना तो उसके पास टाइम बहुत ऐसा वनरेबल टाइम होता है अर्ली ऑन कि उसके पैडों पे लगने का चांस होता है, वहाँ से अगर सीधा रह जाए तो उसमें कॉट भी एंड करने का चांस है, इसलिए हमेशा जो टेक्निक होती है ना उस टेक्निक को देख के आप अंदाजा कर सकते हो इस बॉलर के खिलाफ ये जो जिस तरह का बॉल हो रहा है चल रहा है इसमें इसके चांसेस बहुत ज़्यादा आउट होने के, जो एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हो। बिल्कुल, इसमें एक चीज़ और जैसे मुझे ना बैट भी ऊपर, दूसरा ये टांग भी जल्दी आगे लाते हैं क्योंकि ये तेज़ खेलने वाले होते हैं ना, ओके, हालांकि जय सूर्या इससे तो हज़ार गुना अच्छा तो लेजेंड है, उसके भी पैडों में गेंद मार देते थे वकार भाई, क्योंकि एक तो टांग आगे आ रही होती थी ऊपर से बॉल शेप के साथ अंदर आ रहा होता था, तो वो डेंजरस हो जाता है ऐसे प्लेयर्स के। ये दोनों बल्लेबाजों ने यूसुफ भाई क्या आपके नज़दीक गलती की, एक जो कैच निकला परेरा का और दूसरी जो विकेट गिरी निशांका की, तो अच्छा, इनमें दोनों को गेंद बाहर निकला है, दोनों को गेंद बाहर निकला है और दोनों अवे खेले, दोनों अवे खेले क्योंकि बॉल इसका नेचुरल तो अवे स्विंग सज्जे को है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस बॉलर है कि इसने लेफ्ट हैंड को बाहर निकालना सीखा हुआ, बड़ा अच्छा बाहर निकला था अगर आप देखें, तो ये देखें ये छोड़ रहा है, अगर वो भी छोड़ देता
तो बच जाता। अच्छा, छोड़ने का ऑप्शन ज़ाहिर है, 50 ओवर है, मिनी टेस्ट कहते हैं, तो वो खेलने के अटैम्प्ट की ये वजह थी कि विकेट गई तो बॉल भी ज़ाया हुई, उसमें सिर्फ बॉल ज़ाया होना था, विकेट ज़ाया नहीं होना था। ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है, बड़ा वैलिड पॉइंट है मुशी भाई। 50 ओवर मिनी टेस्ट हम इसको कहते हैं, आप इस मिनी टेस्ट का आपने इसको ये नाम जिक्र किया इसका, तो क्या जल्दी करते हैं या डर है, खौफ है, या वजह क्या है इसकी रीज़न आपके नज़दीक क्या हो सकता है? आई थिंक अडैप करना होता है अपने सिचुएशन को। आप पहले 5-4 ओवर देख सकते हैं, 50 ओवर एज वी से कि मिनी टेस्ट क्रिकेट, जैसे आपने कहा कि बारिश रही है 3-4 दिन, वो देखें ना, थोड़ा सा गेंद तो हिल रहा है ना, मतलब हवा में थोड़ा सा स्विंग हो रहा है और इतना बल्ले पे इजीली नहीं आ रहा है। अभी देखें ना, उस प्लेयर ने एक ऑन द अप ही मारा है, वो कवर में कैच भी होने लगा था। सो आई थिंक ऐसी सिचुएशन में आपने कम्युनिकेशन करनी होती है मिडिल में, या बाहर से भी मैसेज आ सकता है कि लुक आप थोड़ा सा टाइम ले लो, वी डोंट हैव टू गो वेरी हार्ड। तो ये जो अच्छी टीम में अच्छे प्लेयर होते हैं ना, वो कंडीशन के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक अपनी गेम को चेंज कर लेते हैं, इसलिए वो अच्छे प्लेयर होते हैं। ये परेरा ने फिर एक ऐसी ही अटेम्प्ट की, अगर फील्डर थोड़ा सा पीछे होता तो यहाँ पर कैच था, तो ये जल्द, मगर ये कई दफ़ा ऑब्वियसली अदर साइड ऑफ द कॉइन देखा जाए तो ये गेम को परे भी कर देते हैं ऐसे प्लेयर, वो 3-4 चौके मारते हैं, स्विंगे बंद कर देते हैं। अभी देखो ना, एक उसने पॉइंट के ऊपर से मारा, सीधी मारी, पॉइंट के ऊपर से चौका हो गया पिछले ओवर में। बिल्कुल, अभी ये मिडॉन के ऊपर से मिडॉन भी थोड़ी सी अपनी पोजिशन से थोड़ी सी आगे खड़ी की हुई थी। एक टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका में डर्बन में एक टेस्ट मैच जो आया था, वो मैं बेस्ट एवर टेस्ट क्रिकेट, वो तो कमाल इनिंग थी। हाँ, तो इस तरह के प्लेयर बहुत डेंजरस होते हैं, जैसे हमारा फखर है, ये है मैक्सवेल है, ये कभी कभार अब जैसे शुरू हो गया ना ये, बिल्कुल अब ये इनके लिए डेंजरस हो जाएगा। अब जिस सूर्या की झलक नजर आई, अब तो मेरा मकसद चांस भी मिला हुआ है, और जिस तरह की विकेट है और पेस इतनी है नहीं, वो जो स्विंग थोड़ा बहुत था पहले 3-4 ओवर में, वो तो अब लग नहीं रहा, क्योंकि एक दो लग गई है ना, तो अब ये डेंजरस हो सकता है इनके लिए। बिल्कुल, और हमारे लिए अच्छा है यूसी। हाँ, हमारे लिए बहुत अच्छा। हम तो दुआ करें, मैं तो इसलिए ये बात करूँ कि कोई उम्मीद नजर आ जाए। अच्छा, प्लेइंग 11 साथ साथ हम दिखाते हैं, और प्लेइंग 11 के वाले भी साथ साथ जो है डिस्कशन, इनको डिस्कस करके वो अपनी आगे चलाते हैं, प्लेइंग 11 भी साथ साथ देखते हैं। तो अब न्यूजीलैंड ने किया जो, जी आप प्लेइंग 11 दिखाइएगा। न्यूजीलैंड ने जैमिसन को बुलाया लेकिन जैमिसन को खिलाया नहीं है। अच्छा, फर्ग्यूसन आज वापस आए हैं, सऊदी अगेंस्ट पाकिस्तान बड़े महंगे रहे, और सऊदी को आज फिर खिलाया गया है ट्रेंट बोल्ट। 3 फास्ट बॉलर्स मुकम्मल किए इन्होंने, सेंटनर इनके स्पिनर होंगे साथ, 5वां बॉलर का जो काम है वो करेंगे फिलिप्स मिचल रचिन रविंद्रा। तो ये तो हो गई इनकी बॉलिंग की बात मुशी भाई, अब बैटिंग के ऊपर आ जाते हैं। कॉनवे रविंद्रा ओपन आ जाएंगे, विलियमसन वनडोन आ जाएंगे, डैरिल मिचल आ जाएंगे, फिलिप्स आ जाएंगे, चैपमैन आ जाएंगे, लैथम आ जाएंगे, तो टीम बड़ी बैलेंस दिखाई देती है। लंबी बैटिंग पे गए हैं, आई थिंक ये भी लंबी थोड़ी सी बैटिंग पे गए हैं, और इन्होंने मेरा ख्याल इनकी वो जो इनका मेन बॉलर है, जो फास्ट बॉलर वो जो विकेट ले रहा था हेनरी, आई थिंक ही इज़ नॉट फिट। सो आई थिंक उसकी जगह इन्होंने सही, आई थिंक ये कई दफ़ा मैं तो इस वक्त में होता हूँ कि 5 बॉलरों के साथ जाना चाहिए, मगर ऐसी सिचुएशन में इन पिचों के ऊपर आप एक जिनका फिलिप्स इस तरह बॉलिंग कर रहा है या रविंद्रा बॉलिंग करता है, इससे आप 10 ओवर निकलवा सकते हैं। बिल्कुल, बट ऑन अ डे वेयर एक्चुअली एक और विकेट गिर गई, मेंडिस आउट हो गए हैं इस बात के दौरान जब आप बात कर रहे थे ये, तो एक और विकेट, और ये विकेट ली है बोल्ट ने, शायद थोड़ा जल्दी में दिखाई दे रहे हैं उनके जो बल्लेबाज हैं। और ये तो कैच ड्रॉप था जिसके हमने बात की है, कैच ड्रॉप के वाले से बात की, और उसके बाद अब मेन विकेट उनके कप्तान की गिरी है, मेंडिस आउट हो चुके हैं, बोल्ट ने विकेट हासिल की, ये देखिएगा कि विकेट किस अंदाज से गिरी। जी यूसुफ भाई, ये क्या शॉट थी, किधर चेहरा था और किधर बॉल थी? सामने से दिखाएं तो आइडिया हो, लेकिन ये खेला तो मैं मिड ऑन की तरफ खेल गया, क्रॉस खेल गया। अगर सामने से दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर, अभी वो अगेन आ जाती है रिप्ले में, लेकिन ये है कि बड़ी मज़े की विकेट थी, इसमें ऑलरेडी पिछले ओवर में 10-12 रन मिले हुए थे, बिल्कुल तो मौका देते उसको, आप अपना स्ट्राइक रेट 100 का रखते, सिंगल स्ट्राइक रेट करते करते उसको दें, वो उसने अटैक कर दिया था, वो कॉन्फिडेंट में है, बिल्कुल वो इन पे अटैक करेगा तो इनकी बॉलिंग पे प्रेशर आएगा, फिर इनके लिए रन्स आसान हो जाएंगे करने, जैसे पिछले मैच में फखर ने उन पे अटैक किया, बाबर के लिए रन्स करने बहुत इजी हो गए थे, और विकेट भी ऐसा है कि इस पे आसानी से रन्स बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आपने थोड़ा सा एक आधा ओवर की बात होती है, वो आप एडजस्ट होते हैं, फिर आप गैप में खेलना शुरू हो जाएं, तो वो भी 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से दूसरा बंदा भी खेल सकता है, और ये ऑलरेडी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली इसने वर्ल्ड कप में, बिल्कुल अगेंस्ट पाकिस्तान बहुत अच्छी, मेंडिस ने बहुत अच्छी इनिंग खेली हैं, बिला वजह में जल्दी की है, बिला वजह जल्दी की। पीछे भाई, क्या वजह आपको लगती है? जाहिर है अब इनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है, आसान मैच तो श्रीलंका के लिए भी नहीं है, हालात पीछे हम बात करें इनके बोर्ड के भी बहुत अच्छे नहीं है, वहाँ पर भी पूरा बोर्ड सेट कर दिया,
अभी भी जो बल्लेबाज हैं वो किसी जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, देखो ना जो उसने शॉट खेली है टोटली अक्रॉस द लाइन खेली है, यही शॉट अगर ये वी में या बॉलर्स ओवरहेड मार देता इसको लग जानी थी सीधी शॉट, लेकिन वो टॉप एज उसका लगा है वो उसने रविंद्रा ने उसको डी थर्ड में उसको आउट कर दिया। तो ये जो बिल्कुल ये इम्पेचुअस शॉट्स होती हैं, यहाँ कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट कि हम मार देंगे, विकेट कुछ नहीं कर रही, उठा के मिड विकेट पे कर दो, आप सीधा खेलो यार। ये आपको जो आपको लॉ ऑफ एवरेजेस हमेशा चांस देंगे जब आप स्ट्रेट खेलोगे, उसका तो बैट ही आउटसाइड ऑफ स्टंप अक्रॉस है, सो आई थिंक उसने जाने जाने थे लग जाती गुड शॉट बट नहीं लगी है। वेल दैट देयर वी आर, so you go back to the basics on that game. श्रीलंका की विकेट गिरी है, ऐसे दुख हो रहा है जैसे पाकिस्तान की कोई विकेट गिरी है। हम सब यही उम्मीद है कि श्रीलंका लंबा खेले, अच्छी इनिंग खेले, अच्छे रन बनाए, कोई टफ टाइम मिले न्यूजीलैंड को आज के मैच के लिए। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद से।